अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्टॉन्ग सवार है और मैं इस चैनल पे खास अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जिंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मजीद आप लोगों के लिए चलता हूँ ये टॉपिक नंबर दो की तरफ। यहाँ पे ये जो सबक का नाम है किताब लिखने का मकसद, यानी द किताब, यानी द पर्पस ऑफ राइटिंग अ बुक, यानी ये इसका उनवान है। यहाँ से आगाज़ करता हूँ। अगर आप कारोबार करते हैं, कारोबार करते हैं मतलब इसका क्या है, मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं, मतलब आपकी कोई दुकान है और आप कारोबार कर रहे हो, चाहे कपड़े का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, आप कारोबार कर रहे हैं, तो आप कारोबार करते हैं तो इसमें सबसे अहम सवाल ये होता है, अहम सवाल यानी द फर्स्ट क्वेश्चन वो इराइज ये होता है कि पब्लिक ग्राहकों से किस तरह बर्ताव किया जाए। पब्लिक ग्राहक मतलब ये जो आवाम जो लोग आते हैं, आम की जमा आवाम, और वो लोग जो आम होते हैं और आम मतलब आपके पास आता है तो वो उनके साथ आप किस तरह बर्ताव करते हैं। बर्ताव का मतलब यानी सलूक, आपका सलूक क्या होना चाहिए, क्या आपका सलूक ये होना चाहिए कि आप ऐसी बात उनके सामने कह दें कि आप उन बातों से उनका दिल मोह लें, उनके दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लें। इस बात, ये बात तजर्बाती तौर पर तहकीक शुदा है, शुदा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि शादी शुदा और तहकीक शुदा, तो असल में ये लफ्ज़ तहकीक शुदा है, कहना ये चाहते हैं कि ये बात तजर्बाती तौर पर तहकीक शुदा है। तहकीक मतलब ये इस पे हकीकत की तह तक लोग पहुँच चुके हुए हैं, हकीकत की तह तक मतलब ये इसको कहते हैं तहकीक। लेकिन यहाँ पर तहकीक शुदा मतलब इसका यह है कि ये तजर्बे से ये बात साबित है कि इंजीनियर जैसे काम में भी माली कामयाबी सिर्फ 15-20% हिस्सा फनी काबिलियत और बाकी 80-85% हिस्सा काम में माली कामयाबी का सिर्फ 15 और इसके साथ अपनी शख्सियत और इजहार ख्याल की भरपूर इस्तेदाद पर मुनहसर होता है। मतलब अगर एक इंजीनियर है तो अपने काम में वो लोगों के साथ उनका रवैया कैसा होगा, यानी अपने काम में भी वो माली कामयाबी का सिर्फ 15%। माली कामयाबी यानी जो वो माल का इस्तेमाल करते हैं, मसरफ करते हैं, तो 15-20% हिस्सा फन काबिलियत, जो उनका जो फ़न है, यानी इन्होंने जो अपने तजर्बे के हवाले से और इन्होंने जो किताबें पढ़ी हुई हैं, जो इन्होंने तालीम हासिल की हुई है, तो ये एक इनके लिए फ़न है। बाकी 80-85% अपनी शख्सियत और इजहार ख्याल की भरपूर इस्तेदार पर मुसर है। बाकी जो चीज़ है इनकी शख्सियत का रोब ऐसा होना चाहिए, इनकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए ताकि इनकी शख्सियत की वजह से और इनके इजहार ख्याल, इजहार ख्याल इन ख्याल का जो इजहार है, इजहार का मतलब इन बात को जाहिर करना, अपने दिल से अपने मुंह से जो बात निकालते हैं इनको जाहिर करना कहते हैं। यहाँ पे इजहार ख्याल की भरपूर इस्तेदाद पर, इस्तेदाद मतलब सलीहियत पर मुनहसर है, मुनहसर डिपेंड करता है। इस पेशे में सिर्फ वही शख्स कामयाब ज़्यादा रुपया कमा सकता है। और ये जो पेशा है, सिर्फ ये पेशा नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे पेशे और भी हैं, इनके साथ साथ बहुत है सारे ऐसे पेशे जुड़े हुए हैं, वो इंटरकनेक्टेड है कि वो उनमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो फनी काबिलियत भी रखता हो और अपने ख्यालात का इजहार भी, इन इनके साथ साथ आपको फ़नी जो ख्यालात हैं इनके इजहार भी आपको अच्छे तरीके से कर सकता हो। इजहार मतलब यानी जो आप इजहार कर रहे हैं, आपके पास जो गाहक आता है तो उन गाहक, उस गाहक के साथ आपका क्या रवैया होना चाहिए, आप उनके साथ कैसे रवैया रखेंगे। मिसाल के तौर पर आप, मैं आपको आज की बात बता दूँ, मतलब अगर मैं केले ख़रीद रहा था और केलों के पास मैं चला गया, जो वहाँ पे जो आदमी था, तो उस आदमी से मैंने कह दिया कि तकरीबन मिसाल के तौर पर वो 150 रुपये वो फी दर्जन वो फरोख्त कर रहा था, तो मैंने उनको बता दिया कि यार ये जो केले हैं मुझे तकरीबन अभी 3-4 केले मुझे चाहिए, बस इतने ही चाहिए थे, इसके बाद मैं मज़ीद कुछ अपने लिए ख़रीद रहा था। लेकिन उनको मैंने जब कह दिया कि यार ये तकरीबन 50 रुपये पे तकरीबन 4 केले वो बनते हैं, तो वो उन्होंने कह दिया अच्छा 4 केले बनते, ये तो 3 बनते हैं। मैंने उनको बता दिया कि अल्लाह के बंदे ये 4 ही बनते हैं, और इसी वजह से उनका जो रवैया था वो ऐसा वो कुछ और किस्म का हो गया मेरे साथ। वजह क्या थी, वजह यही थी कि अगर आप गाहक के साथ ऐसा रवैया रखेंगी, अखलाक के साथ आप पेश नहीं आएंगे, तो ये गाहक आपके पास एक दफ़ा आएगा, दोबारा नहीं आएगा। और अगर आपका अखलाक, आपके अखलाक अच्छे हों, आपका रवैया अच्छा हो और आप हुस्न अखलाक के ज़रिए से लोगों के दिल को मोह लेते हैं, उनके दिलों को मतलब यानी आप अपने तरफ मायल करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हुए कि वो यही तरीके अपनाते हैं और इन तरीक़ों पर वो अमल पैरा होकर वो बहुत ज़्यादा यानी पैसा कमाते हैं। तो इसी वजह से हर इंसान को इजहार ख्याल जब वो करते हैं, हर इजहार ख्याल ऐसे तरीके से होना चाहिए, करना चाहिए,
ताकि आप लोगों के दिलों को अपनी तरफ मायल कर दें। तो इसी तरह और अपने ख्यालात का इजहार भी अच्छे तरीके से आगे कहते हैं, इस पेशे में सिर्फ वही शख्स का रुपये ज़्यादा रुपये कमा सकता है जो फ़नी काबिलियत भी रखता हो। फ़नी काबिलियत मतलब यानी जो फ़न के हवाले से, मतलब वो कोई भी फ़न हो, चाहे अगर कोई डॉक्टर हो तो उनका वो अपना एक फ़न होता है, टीचर है तो उनका अपना एक फ़न होता है, और इसी तरह दुकानदार है तो उनका अपना एक फ़न होना चाहिए। आज कल जो फैमिली मार्ट्स है उसमें भी बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोगों को मुतवज्जे करने की के गरज से ऐसे ऐसे वो हर वे इस्तेमाल करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ। मैं वहाँ जब एंटर हो जाता हूँ, पहले एंटर हो जाता था तो वो फौरन लोग मेरी तरफ आ जाते थे कि भाई क्या चाहिए। तो मतलब इन्हें आप किसी को यानी मतलब अपनी तरफ मायल करेंगे तो सबसे पहली जो बात आप कहेंगे तो वो बहुत खूबसूरत अंदाज से उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई क्या चाहिए। तो भाई का लफ्ज़ जो सुनता है, जो शख्स वहाँ खड़ा होता है तो उनके दिल पे असर करता है, और इसी तरह अपने ख्यालात का इजहार भी अच्छे तरीके से कर सकता हो और रहनुमाई करके अपने मातहत में सरगर्मी अमल पैदा करने की ज़रूरत रखता हो। आगे कहते हैं कि रहनुमाई करके यानी यही अच्छे तरीके से कर सकता हो, रहनुमाई करके, रहनुमाई करके मतलब आप उनको यानी गाइडलाइन देंगे। आप रहनुमा, राह का मतलब यानी रास्ता, नुमा मतलब रास्ता दिखाना। तो अगर आप रहनुमाई ऐसे तरीके से करेंगे अपने मातहतों में, मिसाल के तौर पर यानी जो यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात हो रही थी और आपके अंडर कुछ लोग हैं, तो अगर आप उन लोगों के दिलों को यानी मुसहर करेंगे, या मुसहर करना तो उसको नहीं कहते लेकिन मुताबिक करना, ये मुराद है। यानी अगर आप उन मातहतों में सरगर्मी पैदा करने की सरियत रखता हो, मतलब आपके अंदर इतनी सरियत होनी चाहिए कि आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका आपका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनका लिहाज नहीं रखेंगे, उनके साथ आपका बर्ताव अच्छा सलूक नहीं होगा तो वो लोग आपसे मतलब यानी वो भाग जाएंगे और भागने भी वो अपने अपनी अफियत समझेंगे। तो लिहाजा हर इंसान जो वो लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा हो, अखलाक अच्छे हो, तो ये इंसान दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है। और अखलाक ऐसे होने चाहिए जो लोगों को मुतवज्जे करने वाले हों, तो फिर ज़ाहिर बात है कि इंसान नाकाम कभी नहीं हो सकता। लिहाजा हर इंसान को, हर दुकानदार को ऐसे अखलाक पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर सोचना चाहिए। अगर एक दुकानदार, उन्होंने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है और उनके जहन में या उनके अखलाक सही नहीं है, तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि आप आज अपने अपनी दुकान को आज ही और इसी वक्त बंद कर लें, क्योंकि आपके अंदर अखलाक नहीं है तो आप फिर पैसे नहीं कमा सकेंगे। आपकी जो दुकान है ये कुछ वक्त के बाद वो मतलब यानी बंद हो जाएगी और लोग आपके पास आना शुरू तो अगर कर चुके होंगे तो वो आना भी बंद कर देंगे और आपके पास मजीद लोग भी नहीं आएंगे। लिहाजा अगर आपके अंदर अखलाक ऐसे हों जो बहुत सारे लोगों के अंदर जो मौजूद होते हैं, तो फिर आप यानी एक कामयाब आदमी बन सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तरक्की आपके कदम में है, तरक्की जो है वो आपके कदम चूमेगी और आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अल्लाह ताला करे हम सब पे, अल्लाह ताला अपना रहम करें, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे अखलाक इससे बेहतर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपनी वीडियो से भी फ़ायदा उठाएंगे और अपनी जो वीडियोज़ हैं, जो कुछ आपको फ़ायदा मिलता है तो इस फ़ायदे के हवाले से आपको क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी आगाह करना चाहिए। और अगर आपके जहन में अगर कोई अच्छा सा मशवरा है, अच्छी सी बात है, तो आप कह सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उन बातों को पढ़ लूँ और मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता जाए। तब देखिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।